बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन स्टीम रोस्ट। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो चिकन हैं और ये हमारे पास आधा किलो दही है। एक चिकन में एक पाव दही डलता है, तो ये हमारे पास दो चिकन है इसलिए आधा किलो दही हमने लिया है। तो अभी हम लोग इसको मैरिनेट कर लेंगे, तो अभी हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, चाट मसाला, दो चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, एक चम्मच सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, दो चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। दो चम्मच नमक, दो चम्मच हांडी मसाला, येलो फूड कलर, रेड चिली सॉस डाल देंगे, सोया सॉस, विनेगर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मैरिनेशन को हमने इतने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो इस मसाले में सबसे पहले हम एक चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इस चिकन में ये जो कट्स लगे हैं मसाला, हमने अच्छे से इसके अंदर अंदर तक हमने इसको पहुँचाना है। दूसरी साइड से ये एक चिकन हमारा अच्छे से हो गया। मम्मा हाथ से मैरिनेट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, तो इसलिए हाथ से मैरिनेट कर रही हूँ। कीप श्योर कि आपके हैंड्स नीट एंड क्लीन हो, तो फिर कोई इशू नहीं है। इसी तरह हम ये दूसरा चिकन भी अच्छे से मसाले में मैरिनेट कर लेंगे। तो ये दूसरा चिकन भी हमारा मैरिनेट हो गया। सारा मसाला हम इसके ऊपर से डाल देंगे। अच्छा तो व्यूअर्स, ये हमारे दोनों चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, तो अब हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो इसको 2-3 घंटे पहले भी मैरिनेट करके तो फिर इसको कुक कर सकते हैं। वैसे ओवरनाइट ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अभी इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे और फिर जब कल इंशाल्लाह इसका जो प्रोसेस होगा वो फिर हम आपको बताएंगे कि हम कैसे बनाएंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये चिकन हमारे पूरी रात मैरिनेट हो चुके हैं, तो अभी जो इसका मसाला था वो दोबारा हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे और फिर इसको हम लोग ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। बहुत आराम से आपने जब आप चिकन को ऑयल में ऐड कर लेना, तो थोड़ी देर के लिए आपने बिल्कुल इसको खिलाने में ये एक साइड पहले प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
अच्छा जी व्यूअर्स, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत आराम से और ध्यान से आपने सारा प्रोसेस करना है। अच्छा तो व्यूअर्स, इसकी साइड हमने चेंज कर ली है। बस अब हम लोग फ्लेम को मीडियम टू लो रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख के तो इसको हम छोड़ देंगे, ये अपने स्टीम में अच्छे से गल जाएगा ये। अच्छा जी व्यूअर्स, तो अब हम इसका ढक्कन हटा रहे हैं। 15 मिनट्स हमने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दिया था ढक्कन रख के, और माशाल्लाह देखें ये कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। अब 10 मिनट के लिए दोबारा हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, छोड़ देंगे साइड चेंज करके। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये वाला रोस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे ध्यान से। बहुत अच्छे से गला। अब इसको भी हम लोग बिल्कुल उसकी तरह, पहले इसको हम छोड़ देंगे इस तरह से, बस ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे, फिर दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर इसको 15 मिनट्स के लिए हम दम पे रख देंगे। और ये साथ बन रही है हमारी बिरयानी, आलू बिरयानी। जो चिकन का मसाला है मैंने इसमें डाल दिया बिरयानी में। तो ये माशाल्लाह से आलू बिरयानी हमारी बहुत अच्छे से बन गई है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारे चिकन रोस्ट बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने और बहुत अच्छे से ये गले, क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा था तो हमें इसको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये अच्छे से डीप फ्राई हुए और ये गल चुके। तो इसको हम लोगों ने सर्व किया है आलू बिरयानी के साथ। आप लोग इसको नान के साथ, रोहनी के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे और फ्राइडे को कंपलसरी होता है हमारे घर में बिरयानी बनना या राइस, ऐसे राइस वाली डिश बनना, तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि हम इसको बिरयानी के साथ सर्व करते। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, और हमें ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी है। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, टिकटॉक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम हमारा है SadroWorld7 और टिकटॉक है SadroWorld, तो उस पर भी आप हमें फॉलो करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आए 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 मजे आए 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 मजे आए 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 मजे आए 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 मजे आए। على عهد قناديني على ارض تلاقيني انا نهلي انا فديهم انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني
انا دمي.